नमस्कार दोस्तों, मेरे इस आंगन से घर तक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पोहे का चिवड़ा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें 2 किलो पतला पोहा लेना है और उसको अच्छे से साफ कर लेना है। अब हमें बड़े से पतीले में पोहे को भूंज लेना है। पोहे को भूंजते समय ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहना है ताकि पोहे कड़क आ जाए। अगर पोहे 2 उंगलियों से टूटने लगे तो समझ लेना पोहे अच्छे से भून चुके हैं। इस तरह से हमें सब पोहों को भूंज लेना है। आप पोहों में तेल के साथ हल्दी भी डाल सकते हैं। अब हमारे पोहे भूंज के तैयार हो चुके हैं। पोहे के चिवड़ों को बनाने के लिए हमने 2 किलो पोहे लिए हैं, 1.5 किलो सिंगदाने लिए हैं, 1.5 किलो दलिया लिया है। सौंफ ली है, जीरा, भुना हुआ धनिया, थोड़ी सी शक्कर, 4 बड़े प्याज लिए हैं, हरी मिर्च, खोबरा, लहसुन, कड़ी पत्ता, यह सब सामग्री हमें चिवड़े के लिए ज़रूरी है। तो आइए अब देखते हैं चिवड़ा बनाने की विधि। हमें भुने हुए धनिया को दरदरा पीस लेना है। अब हम शक्कर और सौंफ को मिला के दरदरा पीस लेंगे। अब हम जीरा और लहसुन को भी मिक्सी में से निकाल लेंगे। हमें इन्हें बारीकी पीस लेना है। अब हमारे पीसे हुए मसाले तैयार हो चुके हैं। तेल गरम होने के बाद में उसमें हरी मिर्च डाल के तेल गरम कर लेना है।
हमें खोबरे को भी तलना है, लाल होने तक इसे तलना है। अब सिंगदाना डालेंगे, इसे भी हमें लाल होने तक तलना है। अब हम दलिया डालेंगे, इसे भी थोड़ा लाल होने तक तलना है। थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे निकाल लेना है। उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और उसको भी तल लेंगे अच्छे से। अब इसमें लहसुन जीरे का पेस्ट डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब हमें इसे अच्छे से तल लेना है। अब हम इसमें शक्कर और सोप पाउडर ऐड करेंगे, दरदरा धनिया ऐड करेंगे और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब मिश्रण को हमें एकजीव कर लेना है। अब हमारा पोहे का चिवड़ा रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।